नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लालू यादव की वापसी हुई है तो बिहार में कुछ नया कर्तव्य तो होगा ही ना। कम से कम सियासी कर्तव्यों की बात करें तो होनी शुरू हो गई हैं। हर बंदर अपने साख से गुलाटी मार रहा है और ये सियासी बंदर अलग अलग तरह के पैंतरे दिखा रहे हैं। ऐसे ही कई पैंतरों की चर्चा हम लगातार आपसे कर रहे हैं। अब एक नए पैंतरे की बात करते हैं। कल आपको पता है कि एक बड़ी बैठक हुई बिहार में लॉकडाउन को लेकर, बिहार में जो कोरोना से मौतें हो रही हैं उन सब को लेकर। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो एक पॉलिसी अब बन गई है कि वो राज्यों को छोड़ देती है अपने आधार पर लॉकडाउन करने के लिए। ऐसी स्थिति में अब एक बड़ी बात हो गई है, क्योंकि राज्यपाल के पास सर्वदलीय बैठक पहले से तय थी 17 तारीख को, और उस बैठक में जब सारे दल पहुँचे हैं तो एक बड़ा झमेला हो गया है। झमेला कैसे हुआ है वो जान लीजिए। जिस वक्त तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम के जो लाइव चल रहा था मीटिंग सभी का, उसमें मौजूदगी अपनी दर्ज कराया उन्होंने, उस वक्त बताया जा रहा है कि सारे लोग लॉकडाउन के हिमायती थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जैसे ही कहा कि हाँ लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन सरकार को साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से प्रभावित होंगे, जिनके रोजगार प्रभावित होंगे, उनको भूखे नहीं मरना पड़े पिछली बार की तरह। ऑब्वियसली लॉकडाउन की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों की संख्या लगातार कोरोना इतनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग हो रहे हैं पॉजिटिव, तो इससे समस्याएं तो आगे और बढ़ेंगी। इसलिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि लॉकडाउन लगे, लेकिन जो लोग कष्ट में हैं उनको भूखे न मरना पड़े। अब इसके तुरंत बाद बताया जाता है कि जो बिहार के पशुपालन मंत्री हैं और VIP के कायदा सुप्रीमो हैं बिहार में, मुकेश सहनी, उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कह दी कि लॉकडाउन बिल्कुल ही लगा देना चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं करना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से लॉकडाउन नहीं लगाने की वजह से लगातार बढ़ते गए बेतहाशा तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीज, और वहां लाशों का अंबार लग गया है, हम बिहार को भी उसी स्थिति में नहीं पहुँचा सकते हैं। इसके तुरंत बाद बताया जाता है कि मांझी जी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सरकार के जो बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, हम उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। इसके लेकर उन्होंने आग्रह भी किया नीतीश कुमार से कि वो पुनर्विचार करें लॉकडाउन लगाने से। उन्होंने कहा कि उनके गाँव में ऐसी समस्याएँ उन्होंने देखी हैं, जो गंवई समाज के लोग होते हैं उन तक कोरोना तो पहुँचता नहीं है, लेकिन भूखमरी और कहीं ना कहीं शहर से कट जाने की वजह से, अपने घरों में पैक हो जाने की वजह से उन लोगों के जीविकोपार्जन पर आफत आ जाती है, खासतौर पर ऐसे समाज के लोगों से जो ताड़ी उतारते हैं या अन्य जगहों से कहीं ना कहीं से अपने बाहरी अपने जीविकोपार्जन की जो अर्जित करते हैं, उन लोगों को खासतौर पर ज़्यादा समस्या होती। साफ बात है, जहाँ एक तरफ मुकेश सहनी बिहार में लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं, सरकार लॉकडाउन बढ़ाने को लगाने को लेकर सोच रही है, वहीं मांझी जी ने साफ तौर पर मुकेश सहनी की बातों को काटते हुए कह दिया है कि लॉकडाउन लगाना एकदम ही उपाय नहीं है। अगले ही थोड़ी देरों के बाद जैसे ही पता चलता है कि लालू यादव की रिहाई हो जाएगी, वो आएंगे, आपको पता ही, हमने खबर दिखाई थी कि लालू यादव को लेकर उन्होंने स्वागत भी किया था और कहा था कि लालू यादव की बेहतर इलाज के लिए अगर वो बिहार आते हैं तो ये अच्छी बात है, इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, और अच्छे इलाज की आवश्यकता उनको है तो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण नेताओं में से एक वो हैं। वहीं मुकेश सहनी ने ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र वाली गलती अगर बिहार सरकार करती है तो बहुत देर हो जाएगी। कहीं ना कहीं अपनी सरकार को कान भी उन्होंने मोड़ा है, और इशारों में ये भी कहा है कि देरी तो पहले से ही कर दी गई है, अब बस खाना पूर्ति की जा रही है। आपको बता दें कि देखिए, वैसे तो बाहर ही बाहर इन दोनों की लड़ाई जो है वो इसलिए है क्योंकि एक भाजपा के एलाई के तौर पर इंट्रीग मारे हैं इस NDA में, और मांझी जी नीतीश कुमार के एलाई के तौर पर, और दोनों के बीच बहुत पट नहीं रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, NDA में भाजपा और जदयू की, नीतीश कुमार और भाजपा के बीच बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह से सरकार चलाने को लेकर, क्योंकि राजद बहुमत के बहुत करीब है, उन आंकड़ों को देखते हुए एक साथ बने रहना मजबूरी भी है। और बताया जाता है कि चूंकि नीतीश कुमार और भाजपा के जो सीधी टक्कर नहीं हो गई बल्कि कोल्ड वॉर हो रहा है, इस वजह से अलग अलग विभागों में कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर अंदरूनी चर्चा ये भी है कि मुकेश सहनी बहुत आसान्वित नहीं है सरकार को लेकर, और वो अपने विभाग में जब जो कार्य हो रहे हैं उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा वो उत्सुक नज़र नहीं आ रहे हैं। यही हाल बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी के जो पुत्र हैं संतोष सहनी, उनके डिपार्टमेंट का भी है।
तो आगे चल के बहुत कुछ अभी होना बाकी है। जिस तरह से मुकेश सहनी और मांझी आमने सामने हो गए हैं, इन दोनों ने कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक समस्या तो खड़ी कर दी है। नीतीश कुमार लॉकडाउन लगाएं तो लगाएं कैसे, अपने सहयोगी कम से कम चार चार विधायक दोनों के पास हैं, वो साफ मना कर रहे हैं। एक तरफ साफ मना किया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगा दीजिए। नीतीश कुमार के लिए बहुत सही समय नहीं बीत रहा है। और दूसरी तरफ से हम देखा जाए तो लालू यादव की वापसी हो रही है, उस दौरान भी नीतीश कुमार कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। तो समस्याएं जो हैं वो सरकार की बढ़ती जा रही हैं। कोरोना का मैनेजमेंट भी करना है, विपक्ष को चुप भी कराना है, अपने सहयोगियों की भी बात सुननी है और अपने सहयोगियों का जो विरोध है उसे भी झेलना है। तो नीतीश कुमार के लिए आने वाला वक्त थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखा जाए क्या होता है, किस तरह से इस मौजूदा जो संकट है लॉकडाउन का, दो जो दल हैं बड़े वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है देखा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।